सज गई दुल्हनिया। बारात लेकर पहुँचे दूल्हे राजा। आ गई करण और पूजा के शादी की शुभ घड़ी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका करण और पूजा को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज हो रहा है उनका गठबंधन और ये दोनों जुड़ रहे हैं शादी के इस नए बंधन में। और ऐसे में सास बहू और बेटियां बन गया है इनकी शादी का खास मेहमान, जो आपके लिए लेकर आया है इस शादी के सभी एक्सक्लूसिव नज़ारे। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमेशा रियल लाइफ में शादी के लिए रेडी हो रही पूजा सिंह आज रियल लाइफ में अपने दुल्हे राजा के लिए तैयार हो रही है, तो कैसा है इनका लुक? एक्साइटेड, नर्वस, हैप्पीनेस, इमोशंस सब एक साथ है, यू कैन सी दैट। एंड लेट हो गई हूँ मैं तो मैं इतनी फटाफट आई हूँ रेडी होने के लिए। अब आई होप कि बराती आ जाए, थोड़ा सा वेट करवाएंगे उनको, बट थोड़ा टाइम पे हम चले जाए। एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम सो मेनी मिक्स्ड इमोशंस। एक जगह मम्मा, एक जगह भाभी, सो भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी यहाँ दिखा दो, एवरीबडी इज गेटिंग रेडी। एंड द पर्सन बिहाइंड माई अमेजिंग लुक इज निकी। निकी एंड आई लव निकी। कल का संगीत का लुक जिनको पसंद आया था भाई, इतनी तारीफें बटोरी है मैंने, तो आज भाई खूबसूरत दुल्हन भी मुझे निकी बनाने वाली है। ब्राइडल ग्लो ऑलरेडी दिख रहा है। शर्मा जी हमारे हाथों में छपे है, देखिए छपे तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहरा रंग रचा है। बस उम्मीद है कि जिंदगी में ये प्यार की गहराई हमेशा बनी रहे और हम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी साथ में बिताए, बस यही उम्मीद है। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। एंड या देन लेट्स गेट रेडी। पूजा इज वेयरिंग अ वेरी रीगल रॉयल गारमेंट, बहुत ज्यादा रीगल रॉयल कपड़े इनके, आज का जो गाउन है बहुत ज्यादा इंडियन रिच कल्चर के बारे में डिस्प्ले करता है, तो उसी को माइंड में रख के हम स्किन को बहुत सॉफ्ट एलिगेंट रखेंगे। एंड शी इज़ डूइंग माय फेवरेट हेड गेयर विच इज़ माथा पट्टी एंड शीश पट्टी, जो बहुत कम देखने मिलता है आजकल। एंड पूजा वांट्स टू बी ऑल आउट नॉर्थ इंडियन ब्राइड, सो आई एम एक्साइटेड टू डू दिस लुक फॉर हर। नाउ लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ, शर्मा जी का प्यार लूटने। आज के दिन दुल्हन का साज श्रृंगार ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे में पूजा सिंह भी अपने इस खास दिन के लिए हो रही है तैयार और आज का उनका ये लुक उनका ड्रीम लुक है। डन, ज्वेलरी हमने पहले से पहन रही है, देर आर सो मेनी थिंग्स लेफ्ट स्टिल लेफ्ट टू बी डन एक्चुअली। बताइएगा कैसी लग रही हूँ, मुझे तो मैं अच्छी लग रही हूँ। अब शर्मा जी जो है वही बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मंडप तक पहुँचते पहुँचते रिएक्शन बहुत ऑसम वाला मिल गया तो इट्स अ सक्सेस, एंड मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सो
आप क्या कहते हैं, आप बताइए। देखिए, दुल्हन लोग को नहीं पूछते कितने घंटे लगे। दुल्हन को ये प्रिविलेज दी जाती है कि आप 5 घंटे लो, 6 घंटे लो, फिर भी मैं बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हमने 2 घंटे लिए अब तक। आप जब से बैठे होंगे तब से पता चल ही गया होगा कि कितने घंटे लिए हैं। सो आई थिंक हमने वी हैव टेकन अ वेरी डिसेंट टाइम, और उस डिसेंट टाइम में इतना अच्छा लुक हमने अचीव किया है। अभी तो और भी लुक एनहांस होना बचा हुआ है, सो देखिएगा। सो मैनी मिक्सड इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें, थाट्स चल रही है अभी तो फिलहाल। बट या आई एम हैप्पी विद द लुक, जो एक्चुअली मैंने सोचा था वैसा ही लुक आया है। सो आई एम लिटरली हैप्पी अबाउट इट। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यू नो थोड़ा सा ब्लिंज हो, एंड बट एट द सेम टाइम थोड़ा सटल मेकअप हो, ज़्यादा वो नहीं चाहिए। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मेरी जो आईज़ है वो थोड़ी ड्रामेटिक लगे, अच्छी लगे, एंड जो मैंने जो ये ब्लाउज है, जो कलर है उसका, उस हिसाब से ओवरऑल मेकअप हो, लिपस्टिक हो। सो निकी हैज़ बहुत अच्छा उसने अचीव किया है वॉट आई वॉन्टेड। इट्स नॉट दैट यू नो एकदम वैसा भी नहीं है कि वाओ लाउड है, और ज़्यादा सटल भी नहीं है जैसा ब्राइट को होना चाहिए। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। अभी आप देख ही सकते हैं कितना कुछ किया जा रहा है। बाप रे बाप, आह ऐसे ऐसे, ये तो सुई की तरह जा रही है अंदर। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस तरीके के। ओके, इस तरीके से मांग टिका को ले जाते हुए कहीं तो बीच में अटका है। आउच आउच आउच, चलो बस बस थोड़ा सा और हल्का ऊपर, बस 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 बस, हाँ परफेक्ट। ये नीचे गिरेगा नहीं ना। सो यासी दिस मांग टिका अलग, 4 चांद लगा देता है, 4 चांद वाली मांग टिका है ये। आई लव इट, आई एब्सोल्युटली आई एम एडोरिंग इट। सो या, सो सी इफ यू कैन सी माय आईज, इट्स ड्रामेटिक, इट्स वेरी दुबईश स्टाइल एंड आल्सो इट्स वेरी नाइस। पूजा के लुक में आज सबसे खास है उनका ये मांग टीका और पट्टी, जिसे लगाने के बाद बदल गया उनका पूरा लुक। दो महीने से दुल्हन 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 दुल्हन, एंड व्हेन यू आर going to be bride and you actually achieve that look, that's the most happiest feeling. So I am on top of the world now. I'm getting that feeling, aesthetic vibe, and literally what I have thought ki you know jaisa mujhe chahiye exactly mujhe wahi cheez mil raha hai, and I hope, I'm just hoping Sharma ji to love it. फाइनली तैयार है शर्मा जी की दुल्हनिया, और ये है इनका फाइनल लुक। पूरे 16 श्रृंगार कर अब पूजा रेडी है करण की दुल्हनिया बनने के लिए। तैयार होने में, ऊपर से हूँ मैं लेट, बट कैसा लगा आपको ये लुक? आई होप आई एम लुकिंग प्रिटी। लेट्स सी एंड नाउ आई हैव टू रन। थैंक यू सो मच निकी, थैंक्स टू द एंटायर टीम। मुझे, मैं आई हूँ आज शाम जी के सैलून में, एंड द नेम इज शाम सैलून, और उनकी डॉटर है निकी, एंड उन्होंने मुझे रेडी किया है। कल भी पूरी मेरी वेडिंग की जिम्मेदारी पूरी इनके ऊपर है, शाम जी के ऊपर है, एंड एवरीबॉडी दिस प्रीटी वुमन, शी हैज डिड माय हेयर एंड ऑल, एंड आई लव यू एंड आई विल रश, एंड जीएनटी भाई थ्रू आउट मेरी वेडिंग में मेरे साथ रहे हैं इतना सारा प्यार देने के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 मेहनत लगी, आप लोगों ने देख लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे होने वाले पिया जी को मेरा ये लुक अच्छा लगे। सो सब चीज़ उनके लिए ही है, एंड आई होप यू लव इट।
दुल्हनिया हो गई है रेडी, अब सीधा चलते हैं शादी के वेन्यू पर, जहाँ पहुँच गए हैं दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर। इसी के साथ हुई दुल्हनिया की एंट्री, जहां उनकी सहेलियां दे रही हैं आज उनके इस खास दिन पर उनका साथ। फूलों से सजी इस चादर के नीचे हो रही है दुल्हनिया की ग्रैंड एंट्री। करण और पूजा एक दूसरे को देखकर बेहद ही खुश है, साथ ही आ गए इनकी आंखों में खुशी के आंसू। भाई फेरे लेने के पहले स्टेज पर हुई रिंग सेरेमनी, जहां ऑफिशियली करण और पूजा ने थामा एक दूसरे का हाथ। तो चलिए आइए इस रिंग सेरेमनी के बाद करते हैं पूजा और करण से उनके खास दिन पर बातें, और जानते हैं कि आखिर वो आज कितने ज्यादा खुश हैं। सेलिब्रिटी कपल फाइनली लव बर्ड्स बन चुके हैं, सो प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम श्योर सभी के आंखें थोड़ी सी नम भी हो गई थी, इमोशनल, खुशी, ढेर सारी फीलिंग। आप दोनों कितने सातवें आसमान पे? हाँ, ये तो डेफिनेटली एक ऐसी खुशी है जो सातवें आसमान से भी ज़्यादा लग रही है, और एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत ही डिफिकल्ट है, बट फीलिंग लाइक वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इमोशनल है, इमोशनल मोमेंट। ऑफ कोर्स दिस इज अ गूज़बम्स वाले वो फीलिंग आ गई थी मुझे, आई वाज वेरी इमोशनल व्हेन आई सॉ हिम, एंड ऑफ कोर्स बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे हम पर, एंड हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, और बस जी जी शर्मा जी की दुल्हनिया बन चुके हैं ऑफिशियली ऑफिशियली। हाँ, मैंने खुद ही नजर उतारी इनकी, ये उतारी उतारी भाई, इन्होंने कह दिया। मैंने आपको पहले कहा था अगर शर्मा जी को मैं अच्छी लग गई तो मतलब मैं पास, तो शर्मा जी को मैं बहुत अच्छी लग गई, तो बस बहुत प्रीटी लग रही, बहुत प्रीटी। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, फॉर लविंग मी, फॉर लविंग पूजा, एंड नाउ बोथ ऑफ अस वी हैव टू लव टुगेदर। थैंक यू गाइस।
भाई वो घड़ी आ ही गई जब पूजा और करण ले रहे हैं सात फेरे और कर रहे हैं जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा। और इसी के साथ संपन्न हुआ पूजा और करण का ये शुभ विवाह। भाई सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं दिया और बाती के पूरी टीम से, जो पूजा की शादी में बनकर आया है खास मेहमान। ये बहुत ही मतलब एक्साइटिंग है। हाँ, हमारी बहू की शादी हो रही है और बहुत खुशी हो रही है पूजा के लिए और करण के लिए। बहुत जोड़ी सुंदर लग रही है और अब ये यहाँ पर आज आए हैं। दाईसा है, मेरी मिसेस है, मेरी रियल मिसेस अपना नीलू जी है, हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को। बाबू बोलिए। अरे देखिए, मैं तो अपनी बीनी की शादी कराने के लिए आई हूँ यहाँ पे। पाँच साढ़े पाँच साल तक वो मेरी बीनी थी और अब देखो उसे विदा करूँगी। बीननी थी तो चैन से जीने नहीं देती थी, अब विदा हो रही है तो रो रही है। ये देखो दाईसा नौटंकी के लिए बहुत फेमस थी पर यहाँ तो भाभो नौटंकी कर रही है। कमाल हो गया। भाईली तो तेरी हूँ ना, तो थोड़ा नौटंकी तो करूंगी। अब बुके दे दे मारे को, मैं भी देकर आऊंगी। वैसे इमली से मेरी बहुत पटती थी क्योंकि वो भाभो की बहू थी ना, तो मैं उसको मिर्ची लगाती थी भाभो के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज उसके लिए, उसकी शादी में हम आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस सर। पूजा को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत खुशी है उसके लिए कि शी इज़ हैप्पी एंड बहुत ही खुशी है हम सबको। और उसकी शादी के मौके पे हम सब मिले परिवार तो बहुत सालों के बाद। और पूजा को हैप्पी, बहुत शादी की मुबारकबाद। करण के इस खास मौके पर शामिल होने के लिए पहुंच गई है उनकी ससुराल सिमर का टू की टीम भी, जो दे रही है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं सीधा इस टीम से मुलाकात करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतने प्रेयर्स किए आज के दिन के लिए और आज का दिन आ गया है, फाइनली वो किसी और के पल्ले पड़ा है। खुश रहे बस, और कुछ ये है फ्री कर दिया। हमने तो अपने उसपाल परिवार में पूजा का स्वागत भी कर दिया है। हम उसे थोड़ी ना मानते करण शर्मा की भाई, हम तो विवान मानते। खैर विवान का तो तान्य है रीमा, बट यस वी आर वेरी हैप्पी दैट करण हैज फाउंड हिज सोलमेट और पूजा हमें बड़ी प्यारी लगी एंड वी ब्लेस्ड देम। बोलो तुम उसकी चाची दिल से। हाय, मैं तो उसकी माँ थी। माँ हाँ, बहुत खुशी हुई करण और पूजा को इस तरह से मुस्कुराते ब्लश कर रहे दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर है ना। आज मिलकी उसने इतने सोमवार के व्रत रखे, इतने शनि के व्रत रखे हैं ना, उस बच्चे के फल गए हैं सच्चे, दोनों के फल गए हैं। दिल से बहुत इनके लिए दुआएं निकल रही है, खुश हो गए। यस वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर करण भाई एंड पूजा नाउ। तो आई लव करण भाई बट नाउ भाभी भाभी अब ऊपर हैं। सो यस करण भाई एंड भाभी, एक्चुअली फाइनली करण भाई को भाभी मिल गई है और भाभी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, इतनी स्वीट है। आई थिंक करण से ज़्यादा स्वीट है, उसको थोड़ी सी जलन हो जाएगी। सो या इट्स वेरी वेरी नाइस, हम सब वापस भी मिल रहे हैं और इतने पावन अवसर पे एंड अच्छा मतलब ऑस्पिशियस ओकेशन। ओके या सो वोकैबुलरी पूरी है, मैं यूज नहीं करता। सो करण और पूजा की शादी है और दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर लाइफ एंड एवरीबॉडी इज ट्रूली हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स एंड जो हंसी देख रही हमारे चेहरे पे वो दिल से है। सो या विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। इसी के साथ यहाँ पर कई और दोस्त पहुँचे जैसे कि आशीष सिंह, मोनिका खन्ना, जिज्ञासा, हेली शाह, सिद्धार्थ निगम और स्नेहा जैन, जो बेहद ही खुश हैं करण और पूजा की इस शादी से। वैसे तो करण की साइड से, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो किसी एक की साइड से हैं ही नहीं, हम सारे के सारे दोनों की साइड से हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन सी साइड चूज करें, और लड़का ना खुद ही लड़की की साइड चूज कर लेता है तो फिर हम तो फंस ही जाते हैं।
So I'm very happy that Karan and Pooja are getting married. They are looking very beautiful together and I'm really really happy for them. And I wish ki un dono ki shaadi shuda life bahut hi successful, bahut hi beautiful aur bahut hi pyar bhari ho. Wo dono ek dusre ko dekhte hain to unki aankhon mein abhi jo chamak dikhti hai wo lifetime dikhe. हाँ एक ट्रेन है जिसे मैं ऐसे पकड़ के चल रही हूँ जिससे वो पीछे चलने वालों को डिस्टर्ब ना करे. नो नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस आई लव्ड इट. मुझे पता नहीं स्पेसिफिकली से क्या बोलते हैं पर मुझे पहनने के बाद बड़ी अच्छी सी लग रही है. एज़ इन इट्स वेरी मैंने कभी ऐसा कुछ पहले पहना नहीं है. इट्स वेरी नाइस एंड ब्लिंक आई लव ब्लिंक एंड स्टोन नो सीक्वेंस आई लव दैट सो आई एम लाइकिंग इट. पूजा पूजा लड़की वाली ऑलवेज लड़की वाले हैं हम लोग. एक्चुअली मैं करण को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ लेकिन एक्चुअली दोनों को ही मैं 14 साल से जानती हूँ पर पूजा मेरे दिल के ज़्यादा करीब है. और मैं जानती हूँ पूजा को शक्ति से. उसके बाद मैं करण की दोस्त बनी हूँ तो मैं पूजा की साइड से हूँ. वन आवर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इतने पैसे दे के कर्ज करवाए सब खुल गए. माइनस फुली पैक्ड. मैं 4 घंटे में से रह सकती हूँ. स्मार्टेस्ट थिंग टू डू ना. मतलब एकदम फुल ऑन स्लीक लुक लेकर चलो सो दैट बाद में कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे. दिस इज द न्यू फैशन. डोंट बी सो मॉडेस्ट. नो नो बट आई एम सेइंग आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट. यू लुकिंग वेरी गुड. एवरीबॉडी इज कॉलिंग यू लाल मिर्ची. व्हाट्स द राज आई डोंट वांट टू रिवील द राज बट आई एम सो हैप्पी आफ्टर सो लॉन्ग वी बोथ हैव कम Yes. To some events साथ में. Some, you know, we all are busy with our shoots. And we actually wait ki, you know, we want to dress up and go somewhere. Yeah. But we always end up meeting with our specs on, with no makeup look. कहाँ जाना है? अरे कुछ खा लेते हैं. अच्छा टपरी की चाय पी लेते हैं. अच्छा बन मस्का खा लेते हैं. So you know, sometimes you miss all this. So yeah, today we both are like looking like Rani's, I believe. We both are wearing shimmery stuff and I'm wearing a maroon sari. She's wearing a beige, beige yeah. copper. Very champagne color. Yeah. And she's looking amazing because I love, मुझे ना मुझे जिज्ञासा का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? Simple yet elegant. तो ये बहुत अच्छे से carry करती है and I love her style. Like she comes with a minimal thing and she look the best. Thank you so much. And you Always. Know, I asked her that what's, you know, what you're wearing for Pooja's event, for Pooja's wedding. And she was like, I'm wearing sari. And I was so sure. I'm like, Monica, this is your, you know, ye aapki cheez hai. Sari is her thing totally. Yeah, I love And that. I've been admiring her since sabki one, you know, the way she carries herself. Ye kuch bhi pehen le, ye dress pehen le. And I'm your fan, yaar. You're my fan. I'm your biggest fan, you know. Now I'm her lover. Jigyasa ka ek bahut hi positive point hai. Yaar, isko gliss lene ki zarurat nahi padti hai. I mean, I just ask one thing, Jigyasa. Abhi vidai mein dekh. Vidai mein sare kya, aap sare visuals le lijiyega. Dulhan se zyada shayad ye ro rahi hogi. Main to actually, you know, let's talk about Pooja. Yeah. We just, you know, main aayi hu aur maine Pooja ko dekha and I don't know, somewhere we got so emotional because, you know, we have been talking about this day, marriage and everything, marriage plans. लड़कियाँ एक दूसरे से बात करती हैं एंड वी आर सो हैप्पी टू सी हर सो हैप्पी. एंड आफ्टर सो लॉन्ग हम एक ऐसा शादी आया है दोस्तों के बीच में कि हम सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं एंड इट्स पूजा फॉर्चुनेटली एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. दे बोथ लुक सो क्यूट टुगेदर. वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं. एक्चुअली उन दोनों ने ना ये साबित कर दिया कि भाई ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाकर भेजता है क्योंकि हम जैसे लोग कुछ नहीं हम exactly, जैसे no. लोग जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उन्होंने हमें एक होप दे दी है वरना हम होपलेस हो गए थे कि हमें भी कोई मिल सकता है. बट येट यस बहुत सारे यू नो एग्जाम्पल सेट कर दिए इन दोनों ने कि भाई जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है और कभी भी कहीं भी कैसे भी आपको मिलाया जा सकता है. सो आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर पूजा एंड करण बोथ बिकॉज दोनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों एक दूसरे जैसे हैं. मतलब जैसी यू नो साफ दिल की पूजा है वैसे ही साफ दिल का करण है. लाइक जो है मुँह पे है अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है अच्छा है तो बहुत अच्छा है. एंड यू नो आई बहुत टाइम के बाद दिल से किसी के लिए अगर दुआ निकल रही है ना तो शी इज़ द वन. बहुत ही प्यारी. और कल भी हम लोगों ने बहुत मज़े किए थे संगीत में. मतलब पागलों की तरह नाचा था और खूब चिल्लाया था. एंड ऑब्वियसली कारण अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हर किसी में. मतलब हमारे सब दोस्तों में. मतलब यू नो ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो
इतना एनर्जेटिक, अभी भी अगर आप देखेंगे तो शादी हो रही है बट वो एनर्जी और वो जा नहीं रहा है उसमें से. सो उसको बोलना पड़ता है करण यार शादी है, जस्ट चिल, काम डाउन. सो या आई मीन एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेस दोनों को. यार आप दिल से अपने दोस्त को क्या विशेस दोगे, ब्लेसिंग्स दोगे? दुआएं दूंगी और हमेशा दोनों खुश रहे और यार ऐसे मेहनत का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज ड्रेसिंग अप आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड दैट आई लव ड्रेसिंग अप. सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस तो पता नहीं, खैर लोग बताएंगे, बट मुझे बहुत प्यारा लगा. एमरल्ड ग्रीन कलर का लहंगा है एंड आई हैव केप्ट इट लाइक माय हेयर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल. ज्वेलरी भी बहुत बेसिक रखी है मैंने. सो नहीं नहीं मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, मुझे तो मेरे डिज़ाइनर ने दे दिया और मैं फटाफट पहन के आ गया. सो मुझे मेहनत नहीं लगी, बट यस थैंक्स टू माय डिज़ाइनर मनीष जी, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है और वो हमेशा बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं मेरे लिए, जिसमें मैं हमेशा अच्छा लगता हूँ. मम्मी जी को मेहनत लगी है? मुझे बहुत मेहनत लगी क्योंकि बहुत ड्रिप करना पड़ा साड़ी को और मैं भी मनीष का ही पहनी हूँ साड़ी, तो उसने साड़ी दी लेकिन मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिश किया. अच्छी लग रही हूँ, सुंदरता की परी हैं. सिद्धार्थ के साथ आज थोड़ा मैच भी कर ली, ये इसके लिए सरप्राइज था ना, पता था? मोस्टली मेरे साथ मैच करती हैं मम्मी. आई थिंक मोर देन इमोशनल फॉर मी, मेरे लिए ज़्यादा खुशी है बिकॉज मैं करण भाई को बहुत समय से जानता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के. एंड बस मैं यही चाहता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें और अच्छी गृहस्थी बनाएं अपनी. हाँ मैं करण के साइड से हूँ इसलिए मैंने कहा आज मेरे यार की शादी है करण. तो एक्चुअली ना मैंने करण को अभी आते ही मैं मिली ना, मैं करण को यही कह रही थी कि ये ना मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि ये हो रहा है, मतलब यू नो ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ गेटिंग मैरिड टू सच अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो मैंने उसको कहा यार, मतलब एक वो होता है ना एक अलग सी खुशी है और एक अलग सा कि योर फ्रेंड इज़ यू नो फाइनली ही गॉट हिज पार्टनर. सो या इट्स वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट और जस्ट वी आर इन्जॉइंग दिस मोमेंट और मुझे लगता है कि ये सारे मोमेंट को हम जी कर अपने पास रखेंगे और इसे याद करते रहेंगे. मुझे ना साड़ी वैसे मेरा फेवरेट है, हमेशा मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है और शादी में तो खास करके सिर्फ गजरा मिस आउट हो गया है आज मुझसे. और मुझे एक्चुअली मैं कहूँ तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, मुझे आई गेस 45 मिनट्स लगे हैं बस. खुद से मेकअप किया, खुद से बाल बना दिए और बस साड़ी मम्मी ने बनाई है. सास बहू और बेटिया की तरफ से भी पूजा सिंह और करण शर्मा को शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा ही खुशियों से भरी रहे. मुंबई से नुपुर मावची और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हमारा एंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है आपके लिए बंद, क्योंकि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.